हेलो स्टूडेंट्स, तो यार फाइनली रीप की वेबसाइट पर नोटिस आ चुका है रिगार्डिंग डायरेक्ट एडमिशन के। तो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है, अपने चॉइस के कॉलेज के अंदर सीट अलॉट नहीं हुई है, अपनी चॉइस की ब्रांच नहीं मिली है, या फिर रीप के अंदर अप्लाई ही नहीं किया था, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एडमिशन लेने की इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेज, इन राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस मीन्स रीप राजस्थान। हम आ चुके हैं रीप की ऑफिशियल वेबसाइट पे और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नोटिस ब्लिंक हो रहा है कि जस्ट जो भी है डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस वो यूनिवर्सिटी डायरेक्टली हैंडल करेगी, यानी कि आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट करके डायरेक्टली उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा साफ साफ रीप का कहना है। अब अगर आप रीप की वेबसाइट पे आते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, जो भी रीप का होना था एडमिशन सारा सीन कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों को अपनी सीट कैंसिल करवानी है वो 25 तारीख तक करवा सकते हैं, जिसके अंदर आपका एक भी पैसा काटा नहीं जाएगा, एटलीस्ट 1000 रुपए आई थिंक प्रोसेसिंग फीस लगेगी और आपका पूरा का पूरा रिफंड किया जाएगा। 25/11/2021 तक आप अपनी सीट विड्रॉ करा सकते हैं और डायरेक्टली जो एडमिशन है स्पोर्ट राउंड जिसे बोला जाता है स्पोर्ट स्पेशल राउंड वो स्टार्ट हो चुका है। अब इसकी नोटिफिकेशन जो है आप अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अदर अदर जो काउंसलिंग करते हैं उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अगर बहुत अच्छी सीट चाहिए तो अपने सीनियर भैया से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग एडमिशन के। तो ये थी एक सबसे अच्छी नोटिस और आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो देखते हैं क्या सीन है। तो यार यूप की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉट एडमिशन अंडर स्पेशल कैटेगरी कंडक्ट बाय इंस्टीट्यूट लेवल, जो भी कॉलेजेस है उसके लेवल पे ही एडमिशन कंडक्ट किया जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि भैया ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट जो होते हैं ऑफलाइन कंडक्ट करते हैं, कुछ जो होते हैं ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं। तो यार जो बड़े इंस्टीट्यूट है और जिनको ऐसा लगता है कि आउटसाइड स्टेट से भी बच्चे अप्लाई करने वाले हैं, तो उस मोमेंट पे अगर अपन देखें तब तो ऑनलाइन होना चाहिए, लेकिन बेसिकली जो एडमिशन होता है वो ऑफलाइन ही होता है। आपको पहले मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, उसके बाद आपको मार्क्स के बेसिस पे वहाँ पे बताया जाता है पहले ऑनलाइन वेबसाइट पे कि जिनके 90% है वो जस्ट 10 बजे से लेके इतने बजे तक आएंगे ऑफिस के अंदर, जिनके 80% है वो इतनी बजे से इतने बजे तक, और जिनके और कम है अगर सीट बचती है तो वो शाम को 4 से 5 बजे तक अपना एडमिशन कन्फर्म करते हैं, ये इंस्टीट्यूट लेवल पे होता है। तो अगर किसी बच्चे को सीट चाहिए MBM CTET उदयपुर अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज BTU बीकानेर, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकता है। पहले ही बता देता हूँ कि आई नॉट प्रोवाइड एनी फ्री सीट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो एनीबडी इंटरेस्टेड देन कॉन्टेक्ट मी, और इफ योर मार्क्स इज वेरी गुड जेई परसेंटाइल इज गुड देन यू कैन गेट डायरेक्टली विथ काउंसलिंग इन दिस ऑनलाइन पोर्टल विथ यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे एक नोटिस देख सकते हैं जो कि कॉलेजों के लिए निकाला गया है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं, कि जो भी कॉलेजेज है उनको जो है रीप को बताना पड़ेगा, ठीक है, कि जो स्पेशल राउंड एडमिशन के बारे में। और स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सारे एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, अगर आप अभी तक एडमिशन के बारे में कुछ आपको आइडिया नहीं है तो जस्ट आप थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी की सारी काउंसलिंग स्टॉप हो चुकी है, ऑफलाइन क्लासें स्टार्ट होने ही वाली है या फिर हो चुकी हैं जिन इंस्टीट्यूट के अंदर। CUCT की काउंसलिंग चल रही है, ऑलमोस्ट सारी की सारी जो CSAB सब एनरोलमेंट है अभी। अब जस्ट अगर आपका इस बार नहीं हो रहा है तो आपका 1 साल फिर से वेस्ट हो गया, आप जस्ट अगले साल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।